बगैर फैक्ट्स मालूम करे, बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई बुनियाद के एक ऐसी अफवाह फैला रहे के प्राइवेट एनक्रोचर्स लेकु कब्जा करके कवर कर डंप करने को ट्राई कर रहे बोल के रॉन्ग जो चर्चा फैला रहे न्यूज़ के मीडिया के जरिए, वो सब गलत है। वो सच्चाई सामने लाने के वास्ते हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। हमारे पास सभी कोर्ट के ऑर्डर्स है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है। ये लैंड जो है देखा जाए तो इट्स अ पट्टा लैंड है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये बात को वो लोग सप्रेस करते हुए गवर्नमेंट लैंड है बोल के हमको डेवलपमेंट का, हमको प्रॉपर्टी में हमारे कब्जे से वो लोग इंटरफियर कर रहे हैं। एक्चुअली जब गवर्नमेंट लैंड 1992 में जजमेंट आया हमारे फेवर में, पट्टेदार के फेवर में, के ये जो प्रॉपर्टी है पूरा 11 एकड़ कुछ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पट्टा प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट का क्लेम नहीं है। गवर्नमेंट वो केस हार गई थी, उसके ऊपर अपील नहीं गए, वो जजमेंट फाइनल हो गया, वो गवर्नमेंट के ऊपर हैदराबाद कलेक्ट्री पर बाइंडिंग है। वो जजमेंट के होते हुए भी इलीगली हमारे से इंटरफियर करे हमारे कब्जे में। हम लोग सिर्फ टेम्पररी शीट बाउंड्री वॉल के तहत बनाने गए तो वो भी आके जबरदस्ती वो प्रॉपर्टी में घुस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये हमारे मशीन को, हमारे टीन शेड को डैमेज कर दिए। इस एक्ट को हम लोग क्वेश्चन करते हुए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हमको WP नंबर पहले हम लोग डाले थे, केस नंबर पेपर्स पूरे देंगे अभी आपको, हम लोग पूरा बुक बना के रखे अभी आपको प्रोवाइड करेंगे। वो WP नंबर 5465/19 ये मार्च के महीने में ये साल में हाईकोर्ट हमारे को ऑर्डर दी कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जजमेंट आ गया उनके फेवर में, उसके ऊपर अपील नहीं गए, गवर्नमेंट केस हार गई, देयरफॉर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का हक हमारे प्रॉपर्टी में आने का नहीं है बोल के ऑर्डर दिए। उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए हमारे ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट में नोटिस दिया गया अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट ऑन 24 मई 2019। उसको भी हम क्वेश्चन करते हुए जब हमारी जमीन है, ये पट्टा लैंड है, तो हाउ कैन बी कॉल्ड एज लैंड एनक्रोचर्स, ये एक्शन हम लोग क्वेश्चन करते हुए दोबारा हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने इस नोटिस को देखते हुए वो नोटिस सस्पेंड करते हुए फिर से दोबारा ऑर्डर दिया कि हमारे कब्जे प्रॉपर्टी कब्जा ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर होने का हक नहीं है बोल के वापस दोबारा हमारे फेवर में ऑर्डर दिए। सो वो ऑर्डर अभी लागू है। डिस्पाइट दैट इंजंक्शन ऑर्डर हमारे फेवर में होने के बावजूद भी रिसेंटली फिर से हमारे खिलाफ कब्जे में इंटरफियर करके हमारे खिलाफ गलत न्यूज फैलाते हुए ये डेक्कन क्रॉनिकल में आर्टिकल आया, दो बार आया, ये कहे कि हम प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट कर रहे बोल के, कुछ लेआउट बना रहे बोल के झूठी अफवाह फैलाते हुए फिर हमारे कब्जे में इंटरफियर करे। उसके खिलाफ हम लोग कंटेम्प्ट डाले कोर्ट में, पिटीशन पेंडिंग है, ये हफ्ते इंशाल्लाह वो बेंच पे आने का, बहस होने का पूरी पॉसिबिलिटी है। तो हम ये प्राइवेट लैंड को जब गवर्नमेंट का कोई भी तरीके का हक नहीं है फिर भी हमारे कब्जे में इंटरफियर करे तो हम लोग कोर्ट जाके ऑर्डर लिए सो है। तो हमारे से एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज डोंट बिलीव ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड आई रेस्पेक्ट मीडिया एंड वी रिक्वेस्ट मीडिया दैट हमारे पास सभी कागज है, वो आप लोग GHMC के तरफ से या कोई भी प्राइवेट एंटी जो हमारे रियली जो हमारे फील्ड में जो हमारे अगेंस्ट है, जो लोकल हुलीगेंस है, उनके बातों में आके, उनके गलत चर्चाओं में आके हमारे खिलाफ कोई भी रॉन्ग मीडिया आर्टिकल ना पब्लिश करे, इसीलिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।